Hey guys, good morning and welcome back to the channel. This is Mayank and I hope you guys are doing absolutely great. आज है संडे का दिन और संडे का मतलब है बहुत सारी क्लीनिंग और कुकिंग. कुकिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, मतलब एक्चुअली संडे की सुबह नहीं है, ऑलमोस्ट संडे की शाम होने वाली है. लेकिन हम निकले हैं अब घर से अपना. हमने जो अपने लेजी पन्ने को थोड़ा साइड में रखते हुए सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, वरना फिर से मंडे से वही बवाल स्टार्ट हो जाएगा, पूरा वीक फिर निकल जाता है और कुछ ना कुछ होता रहता है. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है लॉन्ड्री करना, वो रह जाती है. और अब इतने कपड़े हो गए भाई साहब, तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा. मैंने भी एक दो जींस ऐसे देखी, मेरे को अभी आता है ओ शिट मेरे पास ये वाली जींस भी है, लेकिन वो पता ही नहीं थी क्योंकि वो ऐसी दफन थी ना नीचे कपड़ों में. बड़ा बात साफ करके सारी लगा देंगे. इंटरेस्टिंगली पूरे का पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है और हमें सारे के सारे खाली मिल गया, पूरे पांच के पांच. लेकिन पांच चलेंगे नहीं, मुझे लगता है एटलीस्ट दो या तीन लग जाएंगे यहाँ से पांच. वैसे कपड़े बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं. कोल्ड वाटर नॉर्मल इनको डाल दिया. एक बार तो मैंने यहाँ पे ये बेवकूफी की थी कि भाई साहब जो सिक्के हैं वो ब्रार वाले में डाल दिए, मुझे लगा इससे ये वाला चलेगा. और जब ऑन किया तो ब्रार वाली मशीन चली गई, उसमें पानी भर गया. ड्रामा करना पड़ा, थोड़े से कपड़े इधर फेंकने पड़े थे, बट ऐसा भी होता है. प्राइसिंग की बहुत चिंता रहती है जनता को, तो मैं प्राइसिंग भी बता देता हूँ. $1.75 क्लीनिंग के, $1.75 एक साइकिल सुखाने के. तो दोनों को अगर आप मिला लें तो मिलाओ मत, बट पॉइंट इज दिस कि $1.50 मतलब लगभग 140-130 रुपए जाते हैं एक वॉशिंग के. अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो सेम चीज है, तो मतलब 250 रुपए के अराउंड आप मान के चलो कि आपके जाएंगे वॉशिंग एंड ड्राइंग में एक साइकिल. हमने यूज किया डबल, तो समझ लो 500 रुपए गए. नीचे हमें जाना है. अब जो है कपड़े ड्राई हो रहे हैं, ड्राई ड्राइंग के लिए डालने हैं. उसके पहले जो है, उसके पहले नहीं, उसके बाद में जो उसको ड्राइंग में डालेंगे, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करने. उसके साथ में जो है मैं आज काफी सारे कपड़े अपने डोनेट करने वाला हूँ. एक पेटी भर के तैयार किए कपड़े और एक बैग तैयार किया कपड़ों का. कम से कम 20 टी-शर्ट है इसके अंदर और पता नहीं मिसलेनियस बहुत सारा सामान है. पॉइंट इज दिस, कितने कपड़ों की जरूरत नहीं है और ये सारे ठीक ठाक कंडीशन में डोनेट किए जा सकते हैं. यहाँ पे जगह जगह पे डोनेशन बॉक्सेस और बड़े बड़े से हट टाइप के बने जहाँ पे आप डाल सकते हैं. ज्यादातर वो गैस स्टेशन वगैरह में मिल जाते हैं, तो पास में गैस स्टेशन है और गड्डी हमारे पास आ गई है. और संडे का दिन भी थोड़ा टाइम भी है, तो गड्डियां लगाऊंगा, कपड़े सारे पीछे डालूंगा डिक्की में और विल पुट इट इन अ डोनेशन बॉक्स. कपड़े डाल दिए गए, अब आगे बारी आ गई गड्डी उठाने की और जो है गेड़ियां मारने की. गेड़ियां मारनी तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना मारूं, क्योंकि भाई बात ऐसी कि पार्किंग पूरी फुल है. यही बात है, बस पार्किंग की ऐसी दिक्कत है ना. लुक एट दिस, वहां से लेके वहां तक कोई भी स्लॉट खाली नहीं है. इफ यू गाइस नोटिस, एंड तक जाओगे वहां पे जाके मेरी गाड़ी पार्क है. तो बेसिकली पॉइंट इज दिस की कोई गारंटी नहीं है कि जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें वो स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा. और स्लॉट नहीं मिला तो भाई पत्ते बिछ जाएंगे परसों की तरह, जब पूरे में ढूंढना पड़ेगा. नॉट गुड, नॉट अ गुड सिचुएशन. और ये सेकंड बैग कपड़ों का, ये दो हो गए. खुल जा भाई, ऐसी थोड़ी कीलेस एंट्री ली है हमने. इसमें कीलेस एंट्री के बाद में भी चाबी लगानी पड़े, दिमाग खराब हो जाएगा. खुल दिया है. यहाँ पे दोनों के दोनों काम हो जाएंगे हमारे. बाजार में गाड़ी पार्क है, ये है गैस स्टेशन बेसिकली, तो गैस भी डलवा लेंगे हम. और पीछे यहाँ पे क्लोथ एंड शूज, तो यहाँ पे हम अपना डब्बा खाली कर देंगे. आज बहुत दिनों बाद कुछ परोपकार का काम कर रहे हैं. बॉक्सेस उन्हें कहाँ से डालना है, किधर 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 किधर, ये है बहुत बुरी तरीके से फुल. ये कर दिया गया खाली, अब इसकी बारी है. ये इतनी बुरी तरीके से फुल है कि वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़े से कपड़े ठूसे हैं और ये बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके अंदर. सो द बेस्ट वी कैन डू इज कि इस बॉक्स को यहीं पे छोड़ दें. तरीका यह है कि उसको पूरा खींचना पड़ता है पीछे और उसमें फिर कपड़े ठूसने पड़ते हैं, बट आई थिंक वो हो नहीं पाएगा. अच्छा वो वाला देख सकते हो आप, पूरी तरीके से फुल है, तो ये तो आएगा ही नहीं नीचे, ठूस के आए यहाँ पे. बट वी लीव इट देयर. कुछ लोगों ने तो यहाँ पे भी छोड़ दिए, बट ये बारिश होगी तो गीले भी हो जाएंगे, खराब भी हो सकते हैं. कुछ जगहों के अपने ड्रामे होते हैं, यहाँ का भी अलग ही ड्रामा है. भाई जो है क्रेडिट कार्ड का, भाई का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चल ही नहीं रहा है, और क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है यार, इंटरनेट डाउन है, तो यू हैव टू गेट कैश, और कैश हमारे पास है नहीं. इतना कैसे दे सकते हैं. काम होगा नहीं हमारा, बकेट में काम नहीं होगा, कार्ट ही लेनी पड़ेगी पूरी. आ जाओ. केले. फॉर अ चेंज हम लिस्ट ही बना के लाए एकदम ओल्ड स्कूल तरीके से, पेपर पे लिख के. अनियन है, चिकन ले, चिकन देना है, ककंबर्स लेने हमें. ये आइटम लिस्ट में था नहीं, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा फेवरेट फ्रूट है. कोक 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 कोक. नो पेप्सी, नो पेप्सी, वी नीड कोक. व्हिच कोक? कम ऑन कम ऑन.
ऑलराइट, ये हमने एक और लफड़ा निपटा दिया अपना काम का। इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना सामने, लुक एट दैट, दो एक रोड के बीच में आ रहा है। कम ऑन बॉय, ग्रॉसरी स्टोर से सामान लेके आने का भी बवाल ही अच्छा। अभी तक हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आज मैं बहुत दिनों बाद में एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर जाके सामान लेके आया हूँ। बट एनीवे, थोड़ा समझ अभी आया, बट इट्स अ बवाल एक्चुअली। ओके, सामान तो अंदर पहुंचा दिया, अब होगी आज की सबसे बड़ी लड़ाई, वो है भाई साहब पार्किंग ढूंढने की। होपफुली पार्किंग का एक ना एक स्लॉट मिल जाए उस गली में, और अगर नहीं मिला तो दिमाग खराब हो जाएगा आज फिर से। यहीं पे करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट इलीगल पार्किंग है। मैंने पिछली बार वाला स्लॉट है, होपफुली यहाँ का ओनर ना देख रहा हो, बट वाला जो स्लॉट है मैंने वहाँ पार्क करी थी ओवरनाइट, विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड, लेकिन कर देते हैं हम कभी कभी। और वो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि या तो आपकी गाड़ी पे यहाँ पे लगा देंगे एक स्टिकर, बहुत गंदा सा स्टिकर लगा देते हैं जो छुटता भी नहीं, ऑल्दो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। लेकिन और अगर उसके लगने के बाद भी अगर आपने जो है नहीं हटाई गाड़ी अपनी, उसके बाद टो हो जाती है, और अगर एक बार टो हो गई गड्डी, देन यू हैव टू पे $150 टू गेट दिस आउट ऑफ द टोइंग कंपनी। ओके, लेट मी शो यू गाइस अ कूल फीचर जब तक हम सिग्नल पे वेट कर रहे हैं। सामने एक स्पीड आती है और उसके बराबर में स्पीड लिमिट आती है जो कि डिजिटल होती है। इट्स काइंड ऑफ जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जो लेंसेज होते हैं व्यू ऑफ, जो बेसिकली एआर और वीआर वाला काइंड ऑफ एआर स्टफ जो कि कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, कुछ उस तरीके की चीज है वो। बट आई विल शो यू, अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां पर तो देयर इज अ स्क्वायर जिसमें की स्पीड आ रही है, वो बेसिकली स्पीड लिमिट है। उसके बराबर में एक और है लिखा है 0 mph की गाड़ी भी रुकी हुई है, जिसका मतलब कि आपकी जो करंट स्पीड है, व्हिच इज प्रीटी कूल, और इट्स लाइक इन द ग्लास देयर, लुक एट दैट, ओह दिस इज वे मोर क्लियर। That 25.0 mph. Luckily parking मिल गई हमें और आज का जुगाड़ हो गया है, तो आज के लिए हम सॉलिड ऑर्डर है। उसके बाद में जो कल का देखा जाएगा। कल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पार्किंग में ओवरनाइट सिर्फ वीकेंड पे ही कर सकता था, ओवरनाइट में एक्चुअली वीकडेज में भी कर सकता हूँ, लेकिन दिन में पार्क नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लिमिट है 2 घंटे की, 2 घंटे बाद में यहाँ से गड्डी हटानी पड़ती है। कल देखो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मंडे टू लेके थर्सडे तक, जब तक कि हमारा रेजिडेंस स्टिकर नहीं आता। एक बार वो स्टिकर आ गया देन वी आर सॉर्टेड, तो ये चल रहा है गाइस। बट होपफुली जिंदगी थोड़े दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी एक बार स्टिकर आने के बाद में। बट अगली बार आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। दिस इज माय कंसर्न दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एज यूजुअल, एंड आल्सो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब व्लॉग्स तो आ ही रहे हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। दिस इज माय कंसर्न दैट, ओवर एंड आउट। Oh, this you crazy mother.